अभी हमें जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है वो ये है कि जो आपका टोटल इनपुट एनर्जी है तो आपको जो टोटल इनपुट एनर्जी है वो दो जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, एक तो इस्तेमाल हो रहा है यूजफुल एनर्जी आउटपुट में, और प्लस वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेस्टेड एनर्जी में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब इसमें से जो यूजफुल आउटपुट एनर्जी है आपकी, इसमें से जो यूजफुल आउटपुट एनर्जी है आपकी, इस यूजफुल आउटपुट एनर्जी को, ठीक है, यूजफुल एनर्जी आउटपुट को अगर आप डिवाइड कर दें टोटल इनपुट एनर्जी से, अगर आप डिवाइड कर दें इसको टोटल इनपुट एनर्जी से, तो ये रेशियो क्या कहलाता है, ये रेशियो जो है एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, आपको यूजफुल आउटपुट एनर्जी आपको मिल रहा है सिस्टम में, उसको अगर आप टोटल इनपुट एनर्जी से डिवाइड कर दें तो फिर ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज फिर जो है आपकी एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, ये चीज आपकी एफिशिएंसी कहलाती है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि जैसे अभी आप हम बात कर रहे थे कि जो टोटल इनपुट एनर्जी होती है आपकी वो वेस्टेड एनर्जी और यूजफुल एनर्जी के बराबर होती है। फर्ज करें एक सिस्टम को हमने जो टोटल एनर्जी दी कितनी, इसको हमने टोटल एनर्जी दी 120। ठीक है, अब 120 में से जो है 40 एनर्जी जो है क्या हो गई, वेस्ट हो गई, और यूजफुल एनर्जी कितनी बची आपकी, यूजफुल एनर्जी आपकी 80 बची। तो हिसाब से अगर देखा जाए तो हिसाब से इस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या बनती है, इस हिसाब से देखा जाए तो सिस्टम की एफिशिएंसी जो है क्या बनेगी, इस सिस्टम की एफिशिएंसी ये बनेगी कि आपका यूजफुल आउटपुट एनर्जी कितनी है यहाँ पर, 80, और आपकी टोटल इनपुट एनर्जी कितनी है, 120। ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2/3। तो 2/3 मतलब है पता नहीं कितना, 2/3 मतलब कितना होगा भाई, 0.66 करके शायद बनेगा, ये आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी 0.66। ठीक है, अब जो एफिशिएंसी है, ये जो आपने एफिशिएंसी निकाली है, इस एफिशिएंसी में अगर आप एक काम करें कि अगर आप इस एफिशिएंसी को जो है वो एक काम और कर लें कि इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, तो आपने एफिशिएंसी निकाली, इसको एक काम और करें कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर ये एफिशिएंसी क्या कहलाएगी, फिर ये एफिशिएंसी जो है परसेंटेज एफिशिएंसी कहलाएगी। ठीक है, फिर यही एफिशिएंसी क्या कहलाएगी, आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी कहलाएगी। और इसी एफिशिएंसी को अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो फिर ये चीज क्या बन जाएगी, फिर चीज जो है परसेंटेज एफिशिएंसी। ठीक है जी, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है अगर मैं इसको जो है 0.66 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो बन जाएगा कितना है? बन जाएगा 66%। ठीक है जी, बेसिकली ये चीज जो है एफिशिएंसी कहलाती है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगी कि सम टाइम्स आपको एनर्जी को जो है पावर गिवन होती है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि पावर किसके बराबर होती है, आपको ऑलरेडी पता है कि पावर बराबर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि पावर किसके बराबर होती है, एनर्जी अपॉन टाइम के, या फिर वर्क अपॉन टाइम। तो अगर आपको कहीं पर एनर्जी निकालना पड़ जाए अगर पावर के जरिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे तो एनर्जी निकल आएगी। तो ये एक और चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब हम इसकी एक वर्कशीट सॉल्व कर दें। कल हमने वर्कशीट नंबर 28 की थी ना, आज वर्कशीट नंबर 29 करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 23। पहला सवाल कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसेस 120 वॉट ऑफ यूजफुल मैकेनिकल आउटपुट पावर, द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 60%, सो विच रो इज करेक्ट। आपकी आउटपुट पावर जो है 120 है, ठीक है, आउटपुट पावर 120 है, आउटपुट पावर है, एफिशिएंसी 60% है, तो आपकी इनपुट पावर कितनी होगी और आपकी वेस्टेड पावर कितनी है, दो चीजें मालूम करें। अब देखिए, जो परसेंटेज एफिशिएंसी होती है वो किसके बराबर होती है, परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर होती है वो होती है यूजफुल आउटपुट एनर्जी, यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इनपुट, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो एनर्जी है वो बराबर है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के, तो चूंकि हमें सारे आंसर्स पावर की फॉर्म में चाहिए तो हम एनर्जी को पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आउटपुट एनर्जी किसके बराबर होगी, आउटपुट एनर्जी बराबर होगी आउटपुट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और एनर्जी इनपुट किसके बराबर होगी, इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इनटू 100, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब आपकी जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो है 60%, आउटपुट पावर आपकी 120 है, इनपुट पावर जो है वो आपको पता नहीं है और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो अब इनपुट पावर अगर मालूम करें तो इनपुट पावर बराबर होगी 61 जा 62 जा, तो इनपुट पावर हो जाएगी 200 वॉट। अब देखिए, इनपुट पावर 200 वॉट है, आउटपुट पावर 120 वॉट, तो पावर वेस्ट कितनी हुई इसमें, आपने इनपुट 200 दिया था, यूजफुल आउटपुट आपको 120 मिला, तो पावर वेस्ट कितनी हुई, पावर वेस्ट हो गई 80 वॉट, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा, इनपुट पावर इज 200 वॉट एंड वेस्ट पावर जो है, पावर वेस्ट कितनी हुई, देयरफॉर योर आंसर शुड बी डी, टोटल इनपुट पावर इज डी, वेयर इज द वेस्टेड पावर इज 80, ठीक है। नंबर कह रहा, बो ऑफ मास 400 ग्राम शूट्स एन एरो ऑफ मास 120 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड्स, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो जस्ट बिफोर रिलीज इज 80 जूल्स, द सिस्टम हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 28%, व्हाट इज द हाइट रीच्ड बाय द एरो व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। एक बो जिसका मास 400 ग्राम है वो एक एरो को शूट करता है और एरो का मास 120 ग्राम है, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, जब बो ने, जो बो को हमने स्ट्रेच किया था तो उसके अंदर एनर्जी 80 जूल थी। अब ये जो 80 जूल्स की एनर्जी है ये एरो में कन्वर्ट, एरो में ट्रांसफर होगी, एरो से एनर्जी को लेकर ऊपर जाएगा और ये एनर्जी जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एरो में चेंज होगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम कह रहे हैं कि सिस्टम जो है 28% एफिशिएंट, यानी कि 80 जूल जो आपने एरो को एनर्जी दी है इसमें सिर्फ 28% जो है वो हमारे लिए यूजफुल होगी, बाकी 72% जो वेस्ट हो जाएगी, और उसकी 28% जो एनर्जी है आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, स्क्रीन भी नजर आ रही है? नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही, मतलब आईपैड डिस्कनेक्ट हो गया शायद मेरा। अब नजर आई स्क्रीन? नहीं सर। अब अगर इसकी नजर आ गई? अब जी जी सर आ रही है। अच्छा, तो सवाल ये था कि एक 400 ग्राम मास की जो बो है वो एक एरो को शूट करती है अपवर्ड वर्टिकली, एरो का मास 120 ग्राम, अब बो में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी 80 जूल्स की,
80 जूल आपने एरो को दे दी। अब एरो जो है उतनी एनर्जी ऊपर जाके गेन करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम 28% एफिशिएंट है, यानी कि एरो जो टॉप पे पहुंचेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा वो 80 जूल्स का 28%, ठीक है। अब इसको इस तरह समझें कि एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, एफिशिएंसी बराबर होती है यूजफुल एनर्जी आउटपुट, यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट, ठीक है, टोटल इनपुट एनर्जी, और उसके बाद वो मल्टीप्लाई बाय। अभी सिस्टम 28% एफिशिएंट है, जो आप यूजफुल आउटपुट एनर्जी गेन करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। एरो जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या क्या गेन करेगा, जब एरो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा ना। टोटल इनपुट एनर्जी आपने इसको दी थी कितनी, 80, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, ठीक है, कर दिया। अब ये है 28, मास ऑफ एरो दिया हुआ है आपको 120 ग्राम। 120 ग्राम का मतलब क्या है, 0.12 किलोग्राम, क्योंकि एमजीएच का फॉर्मूला लगाने के लिए मास किलोग्राम में होना चाहिए। जी की वैल्यू 9.81 होती है, हाइट आपको मालूम करनी है, डिवाइड बाय 80 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको जरा सॉल्व करके बताओ एच की क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी से शाबाश, एच की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। इसकी एच की वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी शाबाश। बी 19.04, सो 19 हो गया। हाँ जी, क्या आंसर आया इसका फिर एच का? नाइनटीन। ऑलराइट, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो बकौल असफिया के एच का जो आंसर आ रहा है वो 19 मीटर आ रहा है, देयरफॉर आवर आंसर शुड बी बी, 19 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। डायग्राम शोज अ पंप कॉल्ड अ हाइड्रोलिक रैम, इन व्हाट इन वन सच पंप द लॉन्ग अप्रोच पाइप होल्ड्स 500 किलोग्राम ऑफ वाटर, अ वॉल शट्स व्हेन द स्पीड ऑफ दिस वाटर रीचेस 2 मीटर पर सेकंड, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वाटर इज यूज्ड टू लिफ्ट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर बाय अ हाइट ऑफ 15 मीटर, द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 10%, सो विच मास ऑफ वाटर कुड बी लिफ्टेड 15 मीटर। देखें 500 किलोग्राम वाटर है, वो जब स्पीड गेन कर लेगा 2 मीटर पर सेकंड की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी कुछ, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी। उस काइनेटिक एनर्जी का 10% जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर में चेंज होगी, और उस वाटर की हाइट होगी 15 मीटर। अब उस वाटर का मास मालूम करना है आपको। दोबारा देखें, यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं, 500 किलोग्राम वाटर की काइनेटिक एनर्जी को आप यूज कर रहे हैं और उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक अननोन मास ऑफ वाटर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और प्रोसेस की एफिशिएंसी 10%। तो हम यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखें तो एफिशिएंसी है 10%, तो हमारा आउटपुट है वो क्या है, हमारा आउटपुट जो है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर ऑफ मास एम, एक अननोन मास की जो है वाटर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका आउटपुट है, और आपका आउटपुट जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है, और वो जो काइनेटिक जो वाटर है उसका मास कितना है, उसका मास 500 किलोग्राम, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा क्योंकि परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्म। अब
टेन बराबर होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर होगी एम जी एच, ठीक है। और एम जी एच में जो आपका एम और तो आपको मालूम करना है, लेकिन जी और एच तो आपको पता है ना, तो पुट करते हैं। जी की वैल्यू है 9.81 और हाइट कितनी है 15 मीटर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है हाफ मास कितना है वाटर का 500 और स्पीड कितनी है वाटर की 2 पर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 100 है, ठीक है। अब इसको जरा आप सिंप्लीफाई करना शुरू करें तो ये बराबर होगा 1 = m × 9.81 × 15 डिवाइडेड बाय ये बनेगा 2 × 100, ठीक है। तो m बराबर होगा 100 / 9.81 × 15। इसका आंसर देखें कितना आ रहा है भाई, इसका आंसर 0.68 आ रहा है बकौल मलिक के। तो इसका आंसर हो जाएगा b यानी कि 0.68, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वाटर फ्लोज फ्रॉम अ लेक इनटू अ टरबाइन दैट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर बिलो द लेक एज शोन। द मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर इज 2400 किलोग्राम पर मिनट, यानी कि एक मिनट में जो है वो 2400 किलोग्राम वाटर जो है वो ऊपर से नीचे आता है। एफिशिएंसी 75% है, सो व्हाट इज द आउटपुट पावर ऑफ द टरबाइन। देखिए जब आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं तो एफिशिएंसी बराबर होती है एनर्जी आउटपुट, यूजफुल एनर्जी आउटपुट और टोटल एनर्जी इनपुट, जो आप एनर्जी इनपुट के तौर पर देते और मल्टीप्लाई बाय। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूले में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो एनर्जी आउटपुट है वो बेसिकली पावर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टाइम, और जो एनर्जी इनपुट है वो एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब आपको जो इनपुट मिल रहा है वो क्या चीज है, आपको जो इनपुट मिल रहा है वो इनपुट जो है बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। आपको जो इनपुट मिल रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और आउटपुट पावर आपको मालूम कर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका इनपुट एनर्जी है, ठीक है, तो आपकी इनपुट एनर्जी है वो बराबर है किसके बराबर है, एम जी एच के बराबर है। आपकी इनपुट एनर्जी बराबर है एम जी एच के बराबर, ठीक है। तो आप जो है वो एनर्जी इनपुट जो है बेसिकली उसको आप ऐसे कैसे पुट कर सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी इनपुट में आप पावर इनटू टाइम मान ना लगाएं, डायरेक्ट एनर्जी इनपुट ही लिखें, ठीक है। और एनर्जी इनपुट आपका एम जी एच और टाइम आपको दिया हुआ है, देखें पर मिनट, पर मिनट का मतलब है टाइम आपको दिया हुआ है एक मिनट का आपको 60 सेकेंड का टाइम। सारी वाली सब पुट करें, एफिशिएंसी है 75%, पावर आउटपुट आपको चाहिए, टाइम आपको 60 सेकंड दिया हुआ है, एनर्जी इनपुट आपका होगा एम जी एच, एम का मतलब कितना है मास, कितना है मास है 2400 किलोग्राम, जी का मतलब है 9.81 और हाइट आपको दी हुई है वाटर की कितनी 90 मीटर और उसको मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताएं आउटपुट पावर कितनी आ गई, जल्दी से शाब इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताएं आउटपुट पावर कितनी। टोटल एनर्जी इनपुट इन अ प्रोसेस इज पार्टली ट्रांसफर टू यूजफुल एनर्जी आउटपुट यू एंड पार्टली ट्रांसफर टू एनर्जी दैट इज वेस्टेड, ठीक है। ई एन आपका टोटल एनर्जी इनपुट है, यू आपका यूजफुल आउटपुट एनर्जी और डब्ल्यू आपका वेस्ट। What is the efficiency? The efficiency क्या होती है? Useful output divided by total input multiplied by 100. तो बहुत ही आसान सवाल था। तो आप क्या हो जाएगा? A.
यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय डेट, दैट इज एफिशिएंसी। चलें जनाब उसके बाद आ जाएं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अ क्रेन इज बीइंग यूज्ड टू लिफ्ट कंटेनर्स ऑफ अ शिप। वन कंटेनर हैज अ मास ऑफ 14,000 किलोग्राम एंड इज बीइंग लिफ्टेड वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 3.2 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक मोटर बीइंग यूज्ड टू सप्लाई द पावर टू लिफ्ट द कंटेनर इज यूज्ड is using a current of 240 ampere and a potential difference of 2200 volt. What is the efficiency of the system? देखिए ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की जो इनपुट एनर्जी है वो क्या चीज है? इस सिस्टम की जो इनपुट एनर्जी है वो है जो मोटर को इलेक्ट्रिक एनर्जी दे, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं वो बेसिकली आपकी इनपुट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं आपकी इनपुट एनर्जी, और जो आपकी आउटपुट एनर्जी है वो क्या चीज है? आपकी जो आउटपुट एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि आप गेन कर रहे हैं। आपकी जो आउटपुट एनर्जी है वो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि आप गेन कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर आपको इसको इन टर्म्स ऑफ पावर अगर बात करें, आप अगर आप इन टर्म्स ऑफ पावर बात करें तो आपकी जो इनपुट एनर्जी है वो बराबर होगी किसके बराबर होगी? इनपुट पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसके बराबर होगी इनपुट पावर, किसके बराबर होगी? आपकी इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर, ठीक। जबकि आपकी जो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक, वो बराबर होगी इसकी आपकी, वो बराबर होगी आपकी आउटपुट पावर। तो ये चक्कर में ना पड़े ना, हम इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपकी जो इनपुट एनर्जी है, ठीक, आपकी जो इनपुट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इनपुट एनर्जी का। तो अगर आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएं पहले, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या? एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट एनर्जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। अब आपकी जो आउटपुट एनर्जी है वो क्या चीज है? वो तो है बेसिकली MGH। आपकी जो आउटपुट एनर्जी है वो है MGH, और आपकी जो इनपुट एनर्जी है वो क्या चीज है? आपकी जो इनपुट एनर्जी है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक। आपकी जो इनपुट एनर्जी है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि मोटर तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल रही होगी ना, मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल रही होगी, और ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी एफिशिएंसी होगी। अब MGH तो ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन आप ये देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर होगी इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होगी, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसमें से जो H अपॉन T है वो क्या होगा? H अपॉन T हो जाएगा स्पीड, और वो हेड आपको कितनी दी हुई है? 3.2 दी हुई है। फॉर्मूला आपका क्या बनेगा एफिशिएंसी का? एफिशिएंसी आपकी कितनी है मालूम करनी है, ये बराबर होगी एम जी एच अपॉन टी की जगह आ जाएगा स्पीड, नीचे आ जाएगा पावर इनपुट इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको याद हो आपने ओलेविज में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो किसके बराबर होती है? वी इंटू वाई के, वोल्टेज इंटू करंट के बराबर होती है। वो आप सारी वैल्यूज पुट करते हैं। मास यहाँ पे दिया हुआ है 14,000, जी की वैल्यू 9.81 होती है, स्पीड 3.2 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है, डिवाइड बाय वोल्टेज कितना है 2200, करंट है 240 है। सॉल्व करके बताएं कितना परसेंट एफिशिएंसी आ रही है। तो सॉल्व करके बताएं कितने परसेंट एफिशिएंसी आ रही है।
83%. ऑलराइट, तो उसका आंसर हो जाएगा 83%, यानी कि 20 का आंसर. ठीक है जी, तो डी आंसर हो गया भाई इसका. क्वेश्चन नंबर 7. अब आप कह रहे हैं पंप ऑफ वाटर पंपिंग सिस्टम यूजिंग 2 किलो वाट, 2 किलो वाट मतलब 2000 वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर व्हेन रेजिंग वाटर. द पंपिंग सिस्टम लिफ्ट 16 किलोग्राम ऑफ वाटर पर सेकेंड थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 7 मीटर. सो व्हाट इज द एफिशिएंसी? देखें अगेन, एफिशिएंसी बराबर है आपकी आउटपुट एनर्जी, यूजफुल आउटपुट एनर्जी, और डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी. ठीक है, अब जो आपकी यूजफुल आउटपुट एनर्जी है वो बेसिकली क्या है, वो तो है एमजीएच, वो एमजीएच है. और इनपुट एनर्जी आपके बराबर है किसके, पावर, इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि आपको इनपुट पावर दी हुई, उन्होंने एनर्जी नहीं दी. अब मास कितना है, मास है 16, जी की वैल्यू है 9.81, कितनी हाइट तक ऊपर लेके जाने इसको 7.0, डिवाइडेड बाय पावर कितनी है 2000, 2 किलो वाट, और टाइम है 1 सेकेंड. 1 सेकेंड क्यों, क्योंकि ये आप मास पर सेकेंड ले रहे हैं, तो 1 सेकेंड आपका टाइम. और इसको करना है मल्टीप्लाई बाय 100, तो सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी से कितनी परसेंटेज आ रही है इसका. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक रेलवे लोकोमोटिव हैज अ मैक्सिमम मैकेनिकल आउटपुट पावर ऑफ 400 मेगावाट. Electrical power is delivered at 25 kilovolt from overhead wires. The overall efficiency of the locomotive in converting electrical power to mechanical power is 80%. So what is the current from the overhead wires when the locomotive is operating at its maximum power? ठीक है, तो चलें आप ये सवाल आप लोग सॉल्व करें, आसान सवाल. क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सॉल्व करें, बताएं इसका क्या आंसर आ रहा है. अच्छा, अभी मेरे पास मलिया का मैसेज आया है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी नहीं था, ए था. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जरा इसको आप लोग चेक कर लें दोबारा से, ये कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर लें जरा. ये जो कोई कैलकुलेशन है इसको चेक कर लें दोबारा से, ये क्या होगा, ये आपका 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. तो इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा 75, ये 6 5 6 4 ये हो जाए, ये होगा 75 इंटू 9.81 इंटू 9 इंटू 4. जरा देखो ये आंसर कितना बन रहा है, 75 इंटू 9.81 इंटू 9 इंटू 4. कैलकुलेट करो जरा जल्दी से, खुद ही कर लेता हूँ मैं, तुम लोग तो ना कर रहा हूँ. 75 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 बनने 26487. तो ए बनाना है, जिसने सी बताया था गलत बताया था. 26 किलोवाट इसका आंसर. ऑलराइट,
क्वेश्चन पे वापस आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कर रहे थे। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें ना आप सब लोग, चाहो जल्दी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी क्या आंसर आ रहा है। ऑल राइट सी आंसर आ रहा है, 200 आ रहे आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर सी जो है वो 200 किस तरह से आ रहा है। देखिए आपको आउटपुट पावर जो मिल रही है ना 400 मेगावाट मिल रही है। आउटपुट पावर कितनी मिल रही है, 400 मेगावाट मिल रही है। ठीक है अब इनपुट पावर जो आप दे रहे हैं, इनपुट पावर में आप वोल्टेज दे रहे हैं 25,000 वोल्ट का, एफिशिएंसी 80% है, तो क्या बताएं इनपुट करंट कितना दे रहे हैं। अब देखिए जो परसेंटेज एफिशिएंसी होती है किसी भी चीज की वो बराबर होती है आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एफिशिएंसी आपकी 80% है, आउटपुट एनर्जी बराबर होगी आउटपुट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के, और इनपुट एनर्जी बराबर होगी इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स टाइम कैंसिल, जीरो से एक जीरो भी कैंसिल। 8 बराबर होगा आउटपुट पावर आपकी 4 मेगावाट, इनके 4 एक्सपोनेंट 6, और इनपुट पावर बराबर होगी वोल्टेज इनटू करंट के, वोल्टेज आपका 25 किलो
इनटू करंट और मल्टीप्लाई बाय टाइम, ऐसे करेंगे तो ये 10 की पावर 2 रह जाए। अब आई आपका बराबर होगा किसके, आई आपका बराबर होगा जनाब 4 एक्सपोनेंट 6 डिवाइड बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, अभी देखने में कितना बन रहा है, बॉल आप लोग ये 200 बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 200 यानी कि सी। ठीक है जी, ऐसे ही हुआ है कुछ। क्वेश्चन नंबर 9, में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड एज हैविंग एन इनपुट पावर ऑफ 1.50 किलोवाट एंड एन एफिशिएंसी ऑफ 65%। द केटल इज स्विच्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू द वाटर इन द केटल। इनपुट पावर है 1.5 किलोवाट, एफिशिएंसी 65%, टाइम है 2 मिनट्स, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई केटल में, यानी कि आउटपुट एनर्जी आपसे मालूम कर रहे हैं कितनी। ठीक है, अब देखें सूरत हाल कुछ ऐसी है कि परसेंटेज एफिशिएंसी आपकी किसके बराबर हो, परसेंटेज एफिशिएंसी जो होती है आपकी वो बराबर होती है यूजफुल आउटपुट एनर्जी। ठीक है, यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट। यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये होती है। अब इट इज आल्सो इक्वल टू यूजफुल आउटपुट एनर्जी का मतलब क्या, यूजफुल आउटपुट एनर्जी का मतलब ये है कि आप जो है यूजफुल आउटपुट एनर्जी तो हमें चाहिए ही, परसेंटेज एफिशिएंसी आपकी है 65%, यूजफुल आउटपुट एनर्जी को क्या बोलूँ मैं, ई बोल देता हूँ, ये हमें चाहिए। एनर्जी इनपुट जो है किसके बराबर होगी, बराबर होगी इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। 65 बराबर होगा यूजफुल एनर्जी आउटपुट आपको चाहिए, पावर इनपुट आपने दी हुई है 1.5 किलोवाट यानी कि 1500, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम को दिया हुआ है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स मतलब 120 सेकेंड्स और मल्टीप्लाई बाय 100। एक दो तो आपका जो यूजफुल आउटपुट एनर्जी होगी बराबर होगी 65 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, ये देखने कितना आ रहा है, और आंसर किलोजूल में चाहिए तो जो भी आंसर है इसको डिवाइड बाय 1000 कर लीजिएगा। देखें जरा जल्द से बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। आंसर 117 किलोजूल्स। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, बी हो गया इसका आंसर। ऑलराइट, अच्छा देखें अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि वी हैव फिनिश्ड चैप्टर नंबर 6 as well, work energy power जो ये भी आपको खत्म हुआ। ये आज की लेक्चर की PDF जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा सूरतहाल का जायजा लें तो सूरतहाल का हम जायजा ले सकते हैं, और सूरतहाल का जायजा हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप गौर फरमाएं थोड़ा सा तो सूरतहाल कुछ ऐसी है कि अभी तक हम अपने सिलेबस में जो है वो काफ़ी सारा हिस्सा जो है कर चुके हैं। देखेंगे सूरत हाल कुछ ऐसी अभी है हमारी, आपको याद होगा मैंने जो है क्लास के पहले दिन आप लोगों को सिलेबस प्रोग्रेस चार्ट दिया था जो कि आप सबके पास मौजूद होना चाहिए, एंड आई होप के सब लोगों के साथ मौजूद होगा ये। इसमें सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हम जो है वो आपका जो है वो फिजिकल क्वान्टिटीज का पहला चैप्टर कम्प्लीट कर चुके हैं, मेजरमेंट टेक्निक का जो है दूसरा चैप्टर, काइनेमेटिक्स का तीसरा चैप्टर, डायनेमिक्स का चौथा चैप्टर, फोर्सेस प्रेशर एंड डेंसिटी का पांचवा चैप्टर, वर्क एनर्जी पावर का छठा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो आपको नजर आ रहा है कि इस चैप्टर में हमने वर्कशीट नंबर 25, 26, 27, 28 और 29 की है, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो 14 है
और 15 वो आपको करनी चाहिए, आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट 14 आप लोगों ने सबमिट करा दी होगी, अब आपको असाइनमेंट नंबर 15 सबमिट कराना, और उसके साथ साथ जो है टेस्ट 14 और 15 भी आपको देना। इसके साथ साथ आपको टेस्ट 14 और 15 भी देना है। अब टेस्ट 14 और टेस्ट 15 जो है इसका जो है वो स्केड्यूल आपको अभी ग्रुप पे रिसीव हो जाएगा। मिस सुमैरा आपको मैसेज कर देंगी कि टेस्ट 14 कब है आपको, टेस्ट 15 कब है आपका। असाइनमेंट 15 जो है वो आपको इस वीकेंड तक सबमिट करानी है। ये मैं अभी गूगल क्लासरूम पे डाल देता हूँ कि आपको जो असाइनमेंट 15 है वो कब तक डालनी है। आपको असाइनमेंट नंबर 15 जो है वो डालनी है जनाब, आप लोगों की कौन सी क्लास है, ASC, ठीक है। तो आपका अभी जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ आपके सामने। तो आपको जो है वो एक असाइनमेंट देनी है, असाइनमेंट कौन सी है, असाइनमेंट नंबर 15 देनी है। ठीक है जी। और असाइनमेंट 15 जो है वो इसकी ड्यू डेट क्या है, इसकी ड्यू डेट है जनाब आपकी इस वीकेंड तक करनी है ना आपको, तो बस 23 तक कर लें उसको। टाइम आपका जो है वो 11:59 तक, ठीक है। ये आपकी ड्यू डेट आ गई, और ये आपका जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक, इसका जो है वर्क एनर्जी एंड पावर। टॉपिक इसका वर्क एनर्जी पावर है। असाइनमेंट नंबर 15 आ गई और उसकी ड्यू डेट आपके सामने आ गई, और ड्यू डेट आपके सामने इसकी है सैटरडे 23rd जनवरी। ये सैटरडे की रात तक आप 12 बजे तक इसको सबमिट करा दें, तो ये आपको असाइनमेंट असाइन होगा, अगर गूगल क्लासरूम पर नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी टेस्ट नंबर जो आपका 14 और 15 है वो भी इंशाल्लाह इस वीक में हो जाएगा, या हो सकता है एक टेस्ट इस वीक हो जाए, एक टेस्ट अगले वीक है। उसका स्केड्यूल जो है मिस सुमैरा आपको जो है वो कॉल करके, मतलब वो आपके ग्रुप पर मैसेज करके बता देंगे। बाकी सब लोग की क्लास है वो आप लोग को याद होना चाहिए, संडे आपकी क्लास है 11:30 से 1:30, और वो आपकी रेगुलर क्लास है, वो कोई रिविजन क्लास या कोई जो है वो एक्स्ट्रा क्लास जो है वो बैकअप के लिए नहीं है, वो आपकी एक्स्ट्रा क्लास रेगुलर क्लास है, बिकॉज वी हैव टू कवर द सिलेबस विद इन दैट, ठीक है। तो सही है, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। ओके, थैंक यू।